आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एकलव्य बैच की इन्फॉर्मेशन की आपको टेस्ट कैसे देने हैं, कहाँ पे देने हैं एंड लेक्चर्स के बारे में हम जानेंगे। सो देखिए, ये आपका लेक्चर शेड्यूल एकलव्य बैच का। आपको मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे को बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर मिलेंगे 4 PM एंड 7 PM को। उसके बाद ट्यूजडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपको केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लेक्चर्स मिलेंगे 4 PM एंड 7 PM को। ये आपको सारे लेक्चर्स दिनेश सर लाइफ स्टडी एंड फिजिक्स के मुकेश नायक एंड ऑल अबाउट केमिस्ट्री इन तीनों चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे मॉक टेस्ट सीरीज पर। देखिए, तो काफ़ी सारे बच्चों की डिमांड थी कि मॉक टेस्ट सीरीज के लिए टाइम लिमिट चाहिए। सो इसके बाद जो भी आपका टेस्ट होगा 3 स्लॉट्स में होगा। फर्स्ट स्लॉट होगा 9 to 9:45, सेकेंड स्लॉट 2 to 2:45 एंड थर्ड स्लॉट 5 to 5:45। आपको टेस्ट सॉल्व करने के लिए 45 मिनट्स दिए जाएंगे एंड आपके टोटल 25 क्वेश्चंस होंगे। अगर आपने 45 मिनट्स से ज़्यादा यूज़ किया तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा, इसलिए आपको टेस्ट सबमिट करने के लिए 45 मिनट्स से पहले या फिर 45 मिनट तक आप सबमिट कर सकते हो। अगर उसके बाद आपने किया तो आपका टेस्ट सबमिट नहीं होगा। तो आपके 3 स्लॉट्स है, एक तो 9 बजे टेस्ट दे सकते हो, एक तो 2 PM को या फिर 5 PM को। सो अब हम देखते हैं कि आपको टेस्ट देना कहाँ पर एंड कैसे देना है। तो टेस्ट देने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको सारे टेस्ट के लिंक्स मिल जाएंगे एंड रिजल्ट के लिंक मिल जाएंगे। ओके, अगर आपके पास टेलीग्राम ग्रुप नहीं है तो एक अल्टरनेटिव वे है, आप गूगल पे जाके एकलव्य बैच MHTCET सर्च कर सकते हैं। क्रोम ब्राउज़र प्रेफर करना क्योंकि वहाँ पे आपको काफ़ी कम प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, सो एक बार गूगल पे सर्च करना एकलव्य बैच MHTCET एंड आपको फर्स्ट लिंक www.eklavyabatch.com पे क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो देखिए, हमारा ऑफिशियल वेबसाइट, आपको जो भी ऊपर अपडेट का सेक्शन दिख रहा है वहाँ पे जो भी नए अपडेट्स है आपको मिलेंगे, जैसे कि कौन सा टेस्ट स्टार्ट हुआ है, कौन से रिजल्ट डिक्लेयर हुए। ओके, यहाँ पे आपको 4 बटन्स मिलेंगे, एकलव्य बैच लेक्चर्स, मॉक टेस्ट सेक्शन, रिजल्ट सेक्शन एंड शेड्यूल। एंड आपको नीचे लेक्चर शेड्यूल मिल जाएगा एंड नीचे आप यहाँ पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो अभी हम देखते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड बटन, मॉक टेस्ट सेक्शन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करना मॉक टेस्ट सेक्शन, फिर आपको वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है कौन से सब्जेक्ट का आपको मॉक टेस्ट देना है। तो हम यहाँ पे केमिस्ट्री सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको चैप्टर सिलेक्ट करने हैं। एक बार चैप्टर सिलेक्ट करने के बाद आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस आएंगे, वो इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट, आपको रेड कलर में दिख रहा होगा, वहाँ पे क्लिक करना, फिर आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। वहाँ पे क्लिक करना, क्लिक हियर टू स्टार्ट टेस्ट, वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पे कुछ अपने डिटेल्स फिल करने होंगे। एक तो ईमेल एड्रेस, आपका करेक्ट ईमेल एड्रेस फिल करना क्योंकि इसी ईमेल एड्रेस पे हम आपको आपका रिजल्ट सेंड करेंगे। जो भी आपका आंसर्स राइट है, रॉन्ग है, तो गलत मेल आईडी मत देना, सही मेल आईडी देना। ओके, एंड उसके बाद देखिए मेल आईडी डालने के बाद आपको आपका सही नाम डालना है, इमोजी मत यूज़ करना यहाँ पे, एंड फुल नेम डालना। ओके, अब नेम डालने के बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जो भी आप डिस्ट्रिक्ट से होंगे वहाँ पर करेक्ट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर देना। एंड जो भी बच्चों को प्रॉब्लम आता है आप मेल कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम पर मुझे पूछ सकते हैं। ओके, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सारे आपके टेस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर, आप जो भी आपका आंसर है वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो एंड आंसर सिलेक्ट करने के बाद आपको एंड में सबमिट करना है। अभी कुछ बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि उनको इमेज नहीं दिखता है, ऐसा लिख गया था कैप्शन लेस इमेज, सो वो आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है। उसके लिए आप वापस टेस्ट पर स्टार्ट करके वापस ऐसा स्टार्ट करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो वहाँ पे आपको भी सबमिट टेस्ट करना है। सबमिट करने के बाद आपको पता कैसे चलेगा आपका टेस्ट सबमिट हुआ। अगर आपको ऐसा लिख कहता है टेस्ट सबमिटेड सक्सेसफुली, मीन्स आपका टेस्ट सबमिट हुआ है एंड आपका रात को 8 बजे के बाद रिजल्ट में नाम आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लिख के टेस्ट क्लोज अटैम्प्ट नेक्स्ट स्लॉट, मीन्स आपका टेस्ट सबमिट नहीं हुआ है, आपको वापस टेस्ट अटैम्प्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट स्लॉट में। ओके, ये देखते हैं कि आपको रिजल्ट्स कैसे चेक करना है। तो रिजल्ट का जो लिंक है वो 8 बजे के बाद टेलीग्राम ग्रुप पे आ जाएगा, वेबसाइट पे भी अपडेट हो जाएगा मार्क वाइज लिस्ट। एंड आपको अगर पर्सनलाइज रिजल्ट चेक करना है कि आपका कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ है, कौन सा आंसर राइट हुआ है, करेक्ट आंसर क्या है, तो आपको उसका लिंक जो है मेल पे मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार से आपको आएगा, व्यू पे आप क्लिक करेंगे तो आपको आपको मिल जाएगा कि आपका कौन सा आंसर राइट हुआ है, कितने मार्क्स, आपको डिटेल में सब मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं हम, देखिए आपको दिख रहा होगा कि टोटल स्कोर दिखेगा, उसके बाद देखिए आपको कौन सा आंसर राइट हुआ, आपको कितने पॉइंट्स मिले उसके लिए, एंड उसके बाद आपको कौन सा आंसर रॉन्ग हुआ, फिर वहाँ पे देखिए आप एक क्वेश्चन बनाएगा ए ऑप्शन रॉन्ग था, उसको करेक्ट आंसर आपको डी, तो आपका करेक्ट आंसर भी नीचे लिख के आएगा। सो इस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे मेल आईडी पे, इसलिए आप अपना करेक्ट मेल आईडी डाला करिए। सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड वेबसाइट एंड टेलीग्राम ग्रुप पर आपको दोनों जगह पर टेस्ट के सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे। थैंक यू।